एक महीने से बताए तो जाए तमाशा बना लीजिए बस जाए कि भाई चुके चले जाएंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे। तो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और फिलहाल दोस्तों, अनामिका जी आज बैठी, मैं आज घर में ही हूँ क्योंकि मैं शाम को ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये अनामिका जी भी बैठी हुई हैं। और क्या कर रही हो अनामिका? पढ़ रही हूँ थोड़ा, अभी बच्चे नहीं आए आज तक, 4 बजे कुछ। हाँ, 3 बच्चे भी आते हैं, वो भी नहीं आए हैं। आते ही होंगे, 3 मतलब 2 आते हैं, 1 रुद्ध ही रहता है। हो गया, वो तो गांव चला गया। कब? अब कितने कब आएगा? उसकी शायद न्यू ईयर की छुट्टियां है ना। हाँ यार, यहाँ पर छुट्टियां हैं 5-6 दिन की, तो गांव चला गया, अपने बब्बा के पास चला गया है। चलो ठीक है। और तुम अपना सुनाओ, पढ़ाई लिखाई चल रही है? मेरे कल से तो मेरे एग्जाम है। काहे का? PGDCA के एग्जाम है, शुरू हो गए? हाँ, फर्स्ट सेम का। अच्छा, तो बहुत जल्दी हो गए। हाँ, बहुत जल्दी, जुलाई में एडमिशन लिया था, बट 6 मंथ चल रहा है, दिसंबर। हाँ, तो 6 1 ईयर का होता है टोटल कोर्स, 6 मंथ का, इसे 6 महीने का फर्स्ट सेमेस्टर का हो रहा है, फिर नेक्स्ट सेमेस्टर का मेरे बर्थडे टाइम पर होगा। ये बात कहाँ है, पेपर कहाँ, सेंटर कहाँ दिया है, आस पास है कि दूर है? कहीं बहुत दूर है। कहाँ? तो कॉलेज भी नहीं पढ़ा है। कहाँ, कौन सी कॉलेज है? JN City तो मैप में देख लेना ना भाई, JN City रहता है रहा, तो कहाँ से जाओगी? ऑटो से चले, पहले तुम जानते हो, तुमको रूट बता देते हैं। यहाँ से लेना ऑटो सीधे SF चौराहा के लिए, SF चौराहा से लेना ऑटो बस स्टैंड, नए बस स्टैंड से तुमको फिर बस भी मिल जाएगी, या फिर ऑटो भी मिल जाएगी। कितनी सारी ऑटो चेंज करनी पड़ेगी? 2-3 ऑटो चेंज करना पड़ेगा। तो भाई इसका पेपर है कल, JN City कॉलेज जो कि रतहरा में है, और यहाँ से लगभग 10 से 15 किलोमीटर। कल नहीं बेटा, मेरे को 4-5 दिन वहाँ जाना पड़ेगा, एक एक दिन का गैप कर कर। कंटिन्यू? अच्छा, गैप है, मतलब एक एक दिन का है, बस ज्यादा नहीं है, बट है ना, गैप तो है ही सही इतना। चलो ठीक है, मतलब काफी दूर दिया ना हर बार। आगे बच्चे यस और सुयस, क्या का नाम है? यस और सुयस नहीं है, तुम कौन है? अच्छा, ये है सिद्धार्थ, अरे यार सुशांत, और ये है यस राज फिल्म्स। तो चलिए ठीक है, अब ये बच्चों लोगों को पढ़ने देते हैं और हम भी अब पढ़ते हैं कुछ। लेकिन हम क्या पढ़ेंगे? पहले तो मच्छर आएंगे ना, मच्छरों की इंद्रियां हो जाएगी। मैं बंद कर देता हूँ, क्यों आप परेशान हो रही हैं? और इधर माता श्री बैठी हुई हैं, क्या कर रही मम्मी? ये क्या तो मटर छील के तो लाइए, हम शुरू करते हैं खाना। फिर मटर खाने में, छीलने में तो मज़ा नहीं आता, खाने में जरूर मज़ा आता है। आज मटर सब्जी बन रही है, मटर और क्या, आलू गोभी मटर, मतलब आलू गोभी मटर की सब्जी मज़ेदार होती है, खाने में मज़ा आ जाता है। तो ठीक है, बनाइए। तमाशा बना लीजिए, बस जाएं कि बैठो किचन में जाएं। चलिए आज का ब्लॉग भी एंड करते हैं। आई होप आप सभी को ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच।